तो कैसे हो गाइज आप सभी लोग, और आज हम फिर से मिल रहे हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइज आपको याद होगा पिछली बार जो हमने घर बनाया था, तो उसी घर का आज हम सेकंड पार्ट ला रहे हैं। तो आज भी गाइज हम बनाने जा रहे हैं सबर्बन हाउस। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज पहले आपको यहाँ से 9 ब्लॉक लगाते जाने, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ऐसा स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये देखो, ये होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9 कंप्लीट। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा गाइज। ये होने के बाद आपको लेफ्ट साइड आना है और यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ते हुए यहाँ तक चालू करना है, और यहाँ से छोड़कर यहाँ तक चालू करना है 7 ब्लॉक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, नहीं, रुको रुको, ये यहाँ तक नहीं आएगा। तो गाइस ये देखो, यहाँ से फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये होने के बाद आप, और गाइस वो हो जाने के बाद सामने आना है और एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर 1, 2, 3 और सेम यही पे 1, 2, 3। गाइस ये हो जाने के बाद आपको यहाँ के 2 ब्लॉक हटा देना है, उसके बाद यहाँ आ जाना है, यहाँ के 3 ब्लॉक हटा देना है आपको, और वो होने के बाद यहाँ पर आना है और यहाँ से 7 ब्लॉक रिमूव, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8, ये रिमूव कर देना है। गाइस ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर बीच में ऐसी दीवार बनानी है आपको कुछ इस तरह से। और गाइस ये हो जाने के बाद आपको ये सब हटा देना है और यहाँ पे स्टोन लगाना है। और गाइज ये हो जाने के बाद आपको इस जगह को प्लैंक से भर देना है। कुछ इस तरह से गाइस ये हो जाने के बाद आपको ग्रे कंक्रीट लेना है, यहाँ से यहाँ तक 7 ब्लॉक ऊपर वॉल बनानी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ इतनी बड़ी। देखो गाइज कुछ इस तरह से। गाइज
यहाँ पर जो वॉल थी वो मतलब नई बनानी थी, इसलिए वो कैंसिल है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 4 ब्लॉक ऊपर वॉल बनानी है, 2, 3, 4। देखो गाइस कुछ इस तरह से। इसके बाद जितने भी स्टोन ब्रिक के ब्लॉक बचे हैं उन पे 3 ब्लॉक हाइट वॉल बनानी है, 1, 2, 3। तो गाइस कुछ इस तरह से। अब गाइस आपको यहाँ आ जाना है और यहाँ पर दो डोर लगा के ग्रे कंक्रीट से ऊपर की जगह कवर कर देनी है। उसके बाद घर के अंदर जाना है आपको और अपने इस दरवाजे से मतलब यहाँ से 1, 2 यहाँ पर और यहाँ पर तोड़ देना है। ये जगह जाएगी अपनी गैरेज के लिए। उसके बाद 1 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पर और यहाँ पर दरवाजा प्लेस कर दो। गाइस आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और गैरेज के अगले साइड पे क्वार्ट्ज पिलर लगाना है, एक ही लाइन में जैसे पिछली बार लगाया था, 3 हाइट तक। यहाँ से और गाइस ये हो जाने के बाद इस ये ऊपर से कवर कर देना। तो गाइस यहाँ से आपको ये लाइन आगे तक लेके आनी है कुछ इस तरह। और इसके बाद आपको ये यहाँ तक ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपको इन्हें इनके लेवल का बना देना है। कुछ इस तरह से। गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से ये यहाँ तक पूरा लगाना है। और सेम आपको यहाँ इस साइड भी करना है। कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ अंदर की जगह भर देनी है। गाइज ये होने के बाद आपको इसके मिडल कंक्रीट ब्लॉक लगाना है और इसके मिडल कंक्रीट ब्लॉक लगाना है। यहाँ से 2 ब्लॉक छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 और इसके ऊपर एक मिडल में सेम इसी साइड वैसा ही करना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बीच में। गाइस इसके बाद आपको फ्रंट साइड जाना है, स्लैब लेनी है यहाँ पे और एक स्लैब यहाँ पे। उसके बाद इसके ऊपर फिर यहाँ से आगे
फिर इसके ऊपर, अरे फिर इसके आगे, फिर ऊपर आगे, ऊपर और आगे, ऊपर सेम, मतलब एक लगा नहीं, और इस साइड सेम। कुछ इस तरह से आपको इस लाइन को पीछे तक ले जाना है। और गाइस यहाँ से सेम अपना चालू करना है। कुछ इस तरह आपको ये बीच की जगह प्लेस करने, मतलब ये कैसे करना है, यहाँ पे एक एक लाइन लगानी है, उसके बाद यहाँ पे दो, ऐसे आपको पूरा करते जाना है। हमने यहाँ पे ऊपर किया है, वैसे इस साइड और इस साइड को सेम ही करना है। देखो गाइस कुछ इस तरह से इसी साइड भी करना है। गाइस तो कुछ इस तरह से
इसे एक्सटेंड करते हुए लेके जाना है बैक साइड तक। आपको ग्लास प्लेन लेनी है, यहाँ से थोड़े ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर चार ब्लॉक तोड़कर यहाँ ग्लास प्लेन लगा देनी है कुछ इस तरह से, और इसके साइड में आपको ट्रैप डोर लगानी है। कुछ इस तरह से बैक साइड आना है और यहाँ से दो ब्लॉक हाइट के ब्लॉक तोड़कर वहाँ ग्लास प्लेन लगानी है कुछ इस तरह से। बैक साइड आने के बाद यहाँ पे दो ब्लॉक, एक ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर दो ब्लॉक ग्लास प्लेन आपको लगा देनी है, आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको दो हाइट की कांच लगा देनी है कुछ इस तरह से। इस साइड आने पे ऊपर भी आपको और नीचे भी आपको दो ब्लॉक के लगा देनी है, एक दो एक दो कुछ इस तरह से। उसके बाद नीचे आने के बाद सेम आपको वही करना है, इस ब्लॉक को छोड़ दो और यहाँ पे दो, गलती से टूट गया, कोई दिक्कत भी बात नहीं, हम वो ठीक कर देंगे। गाइस आपको यहाँ सामने आने के बाद यहाँ पे एक ग्लास प्लेन लगा देनी है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर तीन स्टेयर लगा देनी है और यहाँ से उस ब्लॉक तक आपको कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद इसके अंदर आपको प्लैंक भर देने हैं। और गाइस आपको फेंस लगा देने हैं कुछ इस तरह से। गाइस इसके बाद ये कनेक्ट कर देना है, ये कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर का आपको स्लैब से कर देना है। फेंस ले लेनी है और फेंस के एक एक कॉर्नर से आपको, फिर इसके बाद यहाँ पर ये ऊपर लग नहीं रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है, यार ट्राई करते हैं। अब अंदर एक सोफा भी बना सकते हैं अपने लिए। अरे कहाँ लग रहा है यहाँ पर, अरे और कुछ इस तरह गाइस देख सकते हो। तो गाइस आप कौन से भी ले सकते हो, ये सिर्फ डेकोरेट करने के लिए, और ऐसे आपको ये पूरा बाउंड्री को कवर कर देना है। ले लो थोड़ा सा और उसके बाद
कोबाल्ट स्टोन वॉल ले लो, और यहाँ पर एक लगा दो, यहाँ पर एक लगा दो, और ये ऊपर तक कनेक्ट कर दो कुछ इस तरह से, और ये सेम ये यहाँ पे भी करना, मतलब वो ऐसा लगेगा कि कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। और गाइस ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए, मतलब आप थोड़ा डिप कर दो यहाँ तक। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ तक डिप कर दो। उसके बाद इधर से इधर तक ऐसे डिक कर सकते हो आप, ये मतलब गैरेज के लिए रोड जाएगा अपना, उसे आप स्टोन से कवर कर दो। देखो ये आप यहाँ से ये देखो, तो गाइस अपना घर फाइनल हो चुका है, तो हट यहाँ से। ये देखो गाइस, और आपको मतलब और अच्छा करना हो तो इधर से ये फ्लावर डेकोरेशन यहाँ तक लेके आओ, मतलब वॉल तक। जैसे ये देखो लीव्स, ये भाई तो ये देखो, ये हमने ले ले लीव्स, और यहाँ तक लेके आओ। अरे भाई ये लूज भी ना, अरे पागल हो क्या। और आप यहाँ से तोड़ सकते हो, तो यहाँ से जाने के लिए गैरेज में या यहाँ से। तो गाइस कैसे लगे आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।